चित्रकूट के रामघाट में बने तोता हनुमान जी के मंदिर की अलग पहचान है। वैसे तो भगवान हनुमान जी के बहुत से रूप होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने तोतामुखी हनुमान जी का रूप देखा है? अगर नहीं देखा तो आपको तोतामुखी हनुमान जी के दर्शन के लिए चित्रकूट आना होगा। ऐसी मान्यता है कि तोतामुखी हनुमान का भोग बैर और आम है, और जो भी भक्त यहाँ आम और बैर का फल चढ़ाता है उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तोतामुखी हनुमान जी के मंदिर के स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए थे। यह दर्शन तोतामुखी हनुमान जी के द्वारा प्राप्त करवाए गए थे। ये स्थान गोस्वामी तुलसीदास जी का हाथ का बनाया हुआ है, और यहाँ पर जो विशेष दर्शन है जिसके लिए दुनिया आती है वो तोतामुखी हनुमान जी के लिए। आपको तोते के रूप में हनुमान जी का दर्शन होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि तोता के हनुमान जी को क्यों रूप रखना पड़ा, तो इसकी रामचरितमानस में फर्स्ट पेज में तुलसीदास जी का जीवन परिचय में दिया हुआ है कि तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन करना था, और पूरे जितने विश्व में हमारे तीर्थ स्थान हैं सभी तीर्थों में गए। किसी ने बताया कि अयोध्या में भगवान मिलते हैं, तुलसीदास जी अयोध्या गए। किसी ने कहा कि आपको बद्रीनाथ में भगवान का दर्शन होगा, तुलसीदास जी बद्रीनाथ गए। किसी ने बताया कैलाश जाओ, तो तुलसीदास जी कैलाश भी गए, लेकिन तुलसीदास जी को कहीं दर्शन नहीं हुआ। तो हनुमान जी ने कहा कि इसके लिए तो चित्रकूट जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में चित्रकूट ही एक ऐसा तीर्थ है जहाँ भगवान का दर्शन होता है। तो यही वो कुटिया है जहाँ तुलसीदास जी 21 साल तक अखंड ज्योत जलाकर हनुमान जी महाराज की पूजा करते थे, राम नाम का जाप किया। तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे, जो भी स्नान करके आता सबको चंदन लगा रहे। उन्हीं संतों की भीड़ में बालक के रूप में भगवान आए। तुलसीदास जी महाराज को भगवान ने कहा कि बाबा हमने भी स्नान किया है, हमको तिलक लगा दो। लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए कि ये भगवान है। भगवान को तिलक लगा दिया। भगवान जैसे ही जाने लगे, हनुमान जी महाराज एक पेड़ की ओट में देख रहे थे। हनुमान जी को चिंता हुई कि अगर आज तुलसीदास जी को दर्शन नहीं हुआ तो रामचरितमानस की रचना नहीं हो पाएगी, और रामायण की रचना अगर नहीं हुई तो सनातन धर्म को, चित्रकूट अयोध्या जैसे तीर्थ की महिमा को कौन जानेगा। तब उस समय हनुमान जी तोते के रूप में प्रकट हुए। इसलिए पूरे विश्व में हनुमान जी के जितने भी सिद्ध स्थान हैं वहाँ आपको अवतरित नहीं है, कोई प्रकटे हुए हैं, जमीन से निकले हुए हैं, या किसी खुदाई में हनुमान जी की प्रतिमा मिली है वहाँ पर स्थापित की गई है, लेकिन यहाँ पर आपको हनुमान जी का जो अवतरित मूर्ति का दर्शन होगा, जो कलयुग में हनुमान जी ने तोते के रूप में अवतार लिया। और उन्होंने तोते के रूप में अवतार लेकर तुलसीदास जी को दोहा बताया कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक देत रखे। बाबा तुम जिसको तिलक लगा रहे हो यही तो भगवान है। और जैसे ही तुलसीदास जी ने सुना तो तुरंत दौड़ के चरणों को पकड़ लिया, तो भगवान ने दिव्य दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि तुमको तो दर्शन हुआ, लेकिन ऐसा दर्शन सबको नहीं होगा। लेकिन जब भी लोग चित्रकूट तीर्थ करने आएंगे तो तीर्थ का फल तभी मिलेगा जब वो तुम्हारे हनुमान जी, तोतामुखी हनुमान जी का दर्शन करेंगे।